अस्सलामुअलैकुम यादरीन, मैं आपका कौर अहमद एक नई वीडियो देकर आपके सामने आ गया हूँ रात के 1:15 बजे। तो अभी जो ना मुझे भूख बहुत लगी हुई थी, अभी भी शादी से आए, शादी में मैंने कुछ खाया नहीं क्योंकि मेरा दिल नहीं था कर रहा। और मैंने शादी का व्लॉग बनाए थे, मैंने देखे उनको लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया, फिर मैंने उनको डिलीट कर दिया। अभी जो ना कुछ करते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं। अगर यही मेरी शादी हुई होती तो कोई लड़की होती जो मुझे खाना बना देती। फजल क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अब देर में नहीं आ रहा यार बनाए, क्या कोई चीज़ घर में पड़ी हो तो वो तो पड़ी होती है। मेरे घर में हम तो मिडिल क्लास हैं, हमारे घर में जो चीज़ें हैं जो स्टॉक में नहीं पड़ी होती। तो अभी फ्रिज में देख लेते हैं कुछ पड़ा हो तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। फ्रिज भी अभी तो बंद हुई हुई है। ये हलीम पड़ी हुई है, हलीम नहीं है, ये मुल्तानी मिट्टी है। तो यार अभी जो है ना मैं अकेला हूँ, आज का व्लॉग जो है आपने अकेले ही इंजॉय करना है, क्योंकि मेरी शक्ल देख के आप नहीं इंजॉय कर सकते। तो मैं आपको अपने अलावा कुछ चीज़ें दिखा दूँगा सिर्फ मैम, क्योंकि असजद जो है ना उसने भी नहीं आना, और मैं व्लॉग में आता कौन है, और कोई भी नहीं आता। कोई बच्ची शजी होती तो वो आ रहे, लेकिन अरे आटा निकाल लेते हैं। ओए 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 वो एड्डा बड़ा निकल गया जी आटा। हाय शापर में भी आटा पड़ा, इसको थोड़ा साइड पे करते हैं और जो है ना इसको ऐसे करके ओए इसके बीच इसको जो है ना हमने ओ आटा बाहर गिर गया, इसको जो है ना हमने ऐसे ऐसे करना है ओए 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 ओए। तो अभी जो है ना हमने काम वालों को जो है ना काम पे लगा दिया ताकि वो जो है ना हमारा आटा जो है आराम से छील या जो भी हो रहा छान सकें और हम जो है ना आराम से व्लॉग बना सकें। मोबाइल की बैटरी तो है तो उसका चार्जर भी ढूंढना है, चार्जर नहीं मिल रहा। A few moments later. तो यार यहाँ पे जो है ना पानी वगैरह भी उन्होंने रख लिया ताकि जो है ना हम इसको जो है ना पानी में आटा मिक्स करते हैं जो बनाते हैं ना वो करने के लिए, गूंदने के लिए। अभी मैं पानी डाले, अब इसको मिक्स करना है। माशाल्लाह आटा गूंदना मैंने सीख लिया, शादी भी तो करानी है ना। फिर वो जो मैंने यूट्यूब पर देखा था बेगम को काबू करने वाला वजीफ़ा, सारे घर के काम सीख लो ताकि बेगम को कोई काम करना ना पड़े, फिर बेगम आपके कदमों में। यार ये व्लॉग अगर मेरे मामा या मेरे पापा देख रहे हैं तो मेरे हाथ देख लें, ये सारा आप लोगों की वजह से है, सब कुछ आप लोगों की गलती है। अगर आप लोगों ने मेरी शादी कराई होती तो अभी जो है ना मेरे हाथ साफ होने थे। तो यार आटा वगैरह गूंदा गया हमारा, इसके बीच जो है ना आटा गूंद लिया, इसकी जो है ना हमने बनाना, पता नहीं क्या आटा क्यों गूंद लिया ये नहीं मुझे पता। थोड़ी देर फ्रिज में रखना है हमने, इसको चक के फ्रिज में रख देते हैं, यहाँ पे हम फ्रिज में रख दिया इसको। अब जो है ना इसके बुए को पानी देते हैं, बंद कर देते हैं। आटा गूंदने के बाद में थोड़ी देर जो है ना उसको रखते हैं वैसे ही ताकि वो आटा सही हो जाए। या सीढ़ी हमने लगा लिया ताकि जो है ना हम थोड़ी देर कुछ देख सके। टेक्नो गेमर, ये रिमोट भी टूटा हुआ है इसका, तो टेक्नो गेमर की वीडियो में देख सकता हूँ, लेकिन मैंने देखना कुछ और है। यार रोटी को जो है ना आटा गूंदते हुए बड़ा टाइम हो गया, तो जो है ना अब आटा भी देख लेते हैं उस हो गया कि नहीं। किचन के बाहर ही खड़ा हूँ तो अब देख लेते हैं। बटन तो अब आटा भी देख लेते हैं। आटा हमारा आटा यहाँ पड़ा था इसी और प्लेट से देख सी, और ये हमारा आटा गूंज चुका है। हम शादी से हैं तो ये गंद वगैरह भी इग्नोर करना, ये जो है ना आटा वगैरह गूंज चुका है। तो अभी जो है ना रोटी बना लेते हैं, रोटी मैं अभी बनाऊंगा, थोड़ी थोड़ी जो है ना हेल्प भी लूँगा किसी की। आटा रख दिया है, गैस पूरा भी जो है ना ख़राब हो गया है, गैस नहीं आ रही मेरे ख्याल से। तो जो है ना इस पर हमने रोटी गोल करनी है, एड्डा भरा इसको जो है ना यहाँ पर रख देते हैं ताकि हम जो है ना रोटी आराम से बना सके, हमारी रोटी गोल हो सके। जो है ना हम यहाँ पे कहीं पड़ी होगी हमारी, इसको कहते हैं जी, आपको पता नहीं आपको क्या कहते हो, हम तो इसको जो है ना ये वो ही कहते हैं रोलिंग, ये तो गंदी हुई हुई है। तो जो है ना इसको सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं धो लेता हूँ, बाकी किसी और से धुलवा लेंगे। देख तो यार ये ना वो वाला बोल है जिसमें जो है ना वो हाली वाला आटा होता है, सूखा हुआ जो आटा होता है ना, इसको भी जो है ना हम अपने पास रख लेते हैं। तो आटा वगैरह काट के जो है हमने आटा वगैरह जो है तोड़ के हमने काट के इसके बीच रख लिया। अब इसको जो है डोबे लगवाते हैं थोड़े से इसके, जब तक ये जो है ना डूब पता नहीं क्या नहीं हो रहा था, तब तक इसको निकाल लेंगे। अब निकाल के जो है इसको इसके बीच रखना है, के ऊपर रख देंगे हम, आए हुई हुई ऐसे हाथ मार देंगे ऊपर दो चार बार। अब ये गोल पेड़ा पूरा तो नहीं मुझे बनाना था, बनाएगा कोई और, लेकिन दिखाऊंगा आपको कि मैंने बनाया। हाँ तो जो ना इसका सांप बना दिया था, अब इसको जो है गोल करके ऐसे गोल पराठा बन सकता है, पराठा बनाना है हमने। हाँ जी तो ये देखो ना गोल पराठा बन गया, लड़कियों कुछ सीखो, लड़का हो गया मैं, ये देखो बना रहा हूँ।
आप लोगों को कुछ पता ही नहीं आया। तो जो है ना ये गोल पराठा तो नहीं बना रहे कहीं, अभी जो है ना बनेगा गोल मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं बना रहा हूँ तो डब्बा डुब्बा ही बनेगा, पता नहीं कौन सी शेप बनती है इसकी। ये जो है ना थोड़ी सी गोल हो गई है, अब इसको जो है ना पूरा गोल करना है। बना नहीं रहा मैं, लेकिन दिखाऊंगा आपको कि मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे थोड़े काम देखो अपने जो है ना कान वगैरह साफ करवा रहा है, क्योंकि सफाई निस्पे ईमान है। तो जो ना चीनी वाली रोटी में बनाने लगे, मीठा पराठा या मीठी रोटी जो भी आप इसको कहते हो, तो उसमें मीठा पराठे के लिए मीठी के लिए मीठा लफ्ज़ डालने के लिए चीनी तो डलेगी ना अपने उस। ये देखो मेरी बहन जो है ना पता नहीं कौन तरीके से बनाने लगी है, तो आप देख लेते हैं। तो जो चीनी डाल लेते हैं इसमें, ओई 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 चपक। तो ये चीनी हमने जो है ना इतनी ही डालनी थी मेरे ख्याल से, ज़्यादा मुझे लग रही है क्योंकि पहाड़ ही बन गया इसका, तो अब मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। आप जो है ना वो जो रोटी बना रहा है वो कह रहे हैं कि अब मैंने रोटी बनानी है, आप साइड पर दफ़ा हो जाओ अभी, जो ना मैं जाके अंदर कुछ करता ही हूँ। और यार एक बार मैं यूट्यूब पर ग्रो हो गया ना, मैंने किसी को छोड़ना नहीं है जो यूट्यूब पर ग्रो ना हुआ हो, बस मुझे जानता हो कोई। ये जो है ना क्लिप मेरा सेव कर लो, अगर मैंने फ्यूचर में ग्रो होना हुआ या ना होना हुआ, तो एक क्लिप जो है ना मेरा जो संभाल के रख लो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ग्रो होऊंगा ही होऊंगा, अब मुझे नहीं पता, मैं तो मेहनत करता रहूंगा जब तक मेरे से मेहनत होगी, क्योंकि यार मेरा जो है ना पहले ही मैं बड़े चैनल पे काम किया। तो अगर मैं यूट्यूब पे ग्रो हो गया, मेरे 10-15,000 सब्सक्राइबर्स भी हो गए ना, तो मेरे साथ साथ जो जो मुझे जानता है ना वो यूट्यूब पर वीडियो बनाता हुआ, उसके भी 10-15,000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए यार। ये जो है ना इसको गोल गोल कर दिया ताकि जो है सारे किनारों पर जो है ना चीनी चली जाए, चीनी का एक वो बन गया, थैली बन गई चीनी की। तो अब अगर हम इसको ऐसे कर देंगे ना बना देंगे तो ये बन जाएगी मीठी। और अगर कोई मेरी फ्यूचर बीवी ये देख रही है ना, अब फ्यूचर तो किसी को भी नहीं पता है, फ्यूचर बीवी मेरी देख रही है, तो उसको ये चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि मुझे जब रात को भूख लग जाती है ना तो फिर मेरे पास इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होती। अगर कोई चीज़ घर पड़ी हो तो वो खा लो, लेकिन इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो होती होती है। आटा और चीनी, आटा और चीनी तो पक्की घर में होती है, और गैस या वो जो आग होती है वो तो पक्की होती है, ये जो है हर हाल में बन जाती है। तो मेरी फ्यूचर वाइफ जो है ये देख ले, अगर कोई मेरी फ्यूचर वाइफ है इधर, मैं तो सिंगल हूँ यार। तो यार ये देखो चीनी जो है ना ऐसे ऐसे आगे, कोई किसी किसी को ये रोटी नहीं पसंद होती, वो नहीं खाता, और मुझे ये पसंद है, मैं खा लेता हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी है। ये जो है ना पहले चीनी जो थी ना, अगर हम दूसरे तरीके से बनाते हैं, जिस तरीके से आप बनाते हैं पता नहीं आप इस तरीके से ही बनाते हैं, तो चीनी जो है ना ये साइड पर नहीं थी आ सकती, अब चीनी जो है ना हर जगह पर आई है, ठीक है समझ। तो यार रोटी हमारी फ्राई होने के लिए तैयार है, और अब चूल्हा किस तरह चल रहा है ये नहीं होता, क्योंकि देसी और मिडिल क्लास लोग ये जान सकते हैं, क्योंकि चूल्हे की जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ ये कभी कभी टूट जाती है, तो हमारे चूल्हे की जो ये चीज़ है ना ये टूटी हुई है, अब इसका कुछ करना पड़ेगा यार। अभी जो है ना गैस नहीं आ रही, तो हमें जो है ना इसका लेना पड़ेगा सहारा। अब इसको देख लेते हैं क्या करना है हमने। ये भी नहीं मुझे चलाना आता इतना अच्छा तरीके से, ये जो है मुझे इससे थोड़ा थोड़ा डर लगता है, क्योंकि यार ये जो है ना इसका एकदम गैस चलती है ज़रा ज़्यादा आराम से, जैसे चूल्हे की आराम से चलती है वैसे आराम से नहीं चलती इसकी, एकदम फां कर के चलती है। तो अभी जो है चमोची हमारे पास है, और वीडियो बनाने के लिए करता हूँ किसी को वीडियो बनाओ। तो यार चूल्हे के जो चूल्हा ना इसको आपने इग्नोर करना, क्योंकि यार ये ना बहुत पुराना है, करीबन कोई 70-80 साल पुराना तो है ही, नहीं यार तकरीबन 10 साल पुराना होगा। माचिस हम चला के पहले इसके ऊपर रख लेते हैं, चलता हमने माचिस चला ली यार, अब जो है इसको मुझे डर लगता है। यस हम चला लिए इसको, चलो ये अब जो फ्राई करते हैं रोटी। तो यार फ्रेंडर तो हमने चला लिया था, लेकिन अब पता चला कि हमने ऊपर नहीं था चलाना, नीचे रखे जाना ताकि कुकिंग करने में आसानी हो। मोए मोए अब इसको जो है बंद कर लेते हैं, ताकि नीचे उतार देते हैं, ये चीज़ें भी गर्म होती हैं इसकी, तो जो है ना हाथ भी जल जाता है। मोए 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 अब इसको जो है फिर चलाना पड़ेगा। अब आप वीडियो निकालूंगा मैं चलाऊँगा और बस। तो अभी जो है नीचे रख के भी चला लिया, अब जो है हमने इस पर रखना है ये तवा जो हम पबजी में रखते हैं अपने पीछे पैन, इसको जो है इसके ऊपर रख देते हैं। ओए होए 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 अब ये गर्म होगा और इस पे जो है ना हम बनाएंगे रोटी अपनी मीठी वाली। इस रोटी का नाम मुझे नहीं आता, मुझे अब ये समझ नहीं आ रही कि यार मैं इस वीडियो का टाइटल क्या रखूँ।
अभी जो है इस पर तेल डालना है, हमने तेल डालते हैं थोड़ा थोड़ा करके। ये जो जी देखो ये किस तरीके से तेल डाला है। अब जो है ना इस पर हम रोटी बनाने बन सकती है। अब ये बस थोड़ा सा गर्म होगा और इस पर बिल्कुल सही तरीके से बनेगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी रोटी जो है तैयार है, ये तवे पर रखने के लिए इसको तवे पर रख देते हैं। चलो जी, चलो जी, रोटी हमारी तवे पर आ गई है। तो अब मुझे पता नहीं यार क्या मेरे दिमाग में चल रहा था यार, मैं क्यों नहीं पता लगा मुझे, रोटी हमने तैयार कर ली, सिलेंडर हमने बना लिया, रोटी भी सिर्फ फ्राई हो रही है, सब कुछ कर लिया, लेकिन एक चीज रह गई, चिमटा जिससे रोटी उठा के ऐसे करते हैं और ऐसे करते हैं। यार अभी जो है ना मेरी यहाँ रोटी बनाएंगी और मैं जो है ना आ गया यूट्यूब पर देख रहा हूँ यार कोई सेटिस्फाइंग वीडियो या ASMR की वीडियो लगी हुई है, पता नहीं कौन लोग यार ये वीडियो देखते हैं। आदत क्या कर रहे हो? ओडी चला रहे हो? कौन सी ओडी? ईद होनी है दूसरी जिस चुप होनी कौन सी? अच्छा देखो तो नंबर 1 देखो तो सही नहीं देख रही यार आउट करवा दिया। आउट मैंने करवाया। अब देख एटलीस्ट मैं कितनी कमाल की मारता। ये यार मुझे नहीं पता ये किसी को कैसी लगती है। अभी यार मैं थोड़ा सा पीस दूँगा क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा है रोटी, तो मुझे नहीं पता है किसी को कैसी लगती है, लेकिन मुझे बड़े मजे की लगती है। तो अभी यार मैं खा के आप लोगों को दिखा देता हूँ। यार मैंने ना आपको एक बात बतानी थी, मैं आपको वो बात बताता हूँ। अगर ना मैं मीठा खा लूँ ना, जैसे कि रसगुल्ला वगैरह, उसके बाद मेरा दिल करता है शवारमा खा लूँ, फिर शवारमा खा लूँ तो उसके बाद मेरा दिल करता है वो रसगुल्ला खा लूँ, रसगुल्ला खा लूँ तो फिर मेरा दिल करता है शवारमा खा लूँ। यार की मसला यार है, क्यों नहीं मेरा पेट भरता यार? रसगुल्ला खा लूँ, शवारमा खाऊँ, शवारमा के बाद रसगुल्ला खाऊँ, फिर शवारमा खाऊँ, क्या करूँ? तो यार अभी मैंने देखा कि मेरी मामा ने पॉपकॉर्न बनाए, पॉपकॉर्न तो वो देख लेते हैं कैसे बनाए बनाए मामा ने पॉपकॉर्न, मुझे खाने के लिए खा के देखते हैं। तो यार ये ना थोड़ा सा मैं नहीं पकड़ने क्योंकि मैं भी खा सकता हूँ, मुझे बड़े मजे के लगते हैं मिर्चों वाले, थोड़े मतलब समझ रहे हो, नमकीन है नमक वाले। यारो मेरे हो, भाइयों मेरे हो, बहनों मेरी, सारे कुछ मेरे हो, आज के लोग करते हैं यहाँ पर एंड। मिलते हैं कल, लाइक और सब्सक्राइब आप भी करते हैं। अल्लाह।